नमस्कार, आप देख रहे नेशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। वहीं लातेहार के चंदवा में आरपीएफ निरीक्षक के एन तिवारी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर रेल पुलिस बल टोरी के जवानों ने चंदवा थाना क्षेत्र के परसाही के पास से अभियान चलाकर लगभग 5 टन अवैध कोयला बरामद किया है। वहीं अवैध कोयले को जब्त कर आरपीएफ बैरक के पास रखा गया। इधर रेल पुलिस के आने की भनक लगते ही कोयला तस्कर भाग खड़े हुए, जिनकी तलाश में आरपीएफ की टीम छापेमारी कर रही है। इस खबर की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ लातेहार से दिनेश जी जुड़ चुके हैं। दिनेश, कोयला बरामद किया है, लगभग 5 टन बताया जा रहा है ये जो अवैध कोयला है जिसे बरामद किया है रेलवे पुलिस द्वारा, क्या जो कोयला कारोबारी जो कि मौके से फरार हो गया, क्या उसे अब तक पकड़ा गया है? जी देखिए, अभी तक तो कोयला व्यवसायी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन रेल पुलिस ने इस बात का दावा किया है कि महज चंद घंटों के अंदर उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी भी जारी किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात अब यह है कि इतने लंबे समय से वहां यह कारोबार चल रहा था जिसकी भनक पुलिस को नहीं है, लेकिन अब जिस तरह से पुलिस भी बता रही है या ग्रामीण जो बता रहे हैं, ग्रामीणों के मुताबिक बार बार अवैध इन कोयले की तस्करी की खबर पुलिस प्रशासन को दी जा रही थी, लेकिन अब तक जो है कोई आगे आकर कर कोई भी पुलिस पदाधिकारी इस पर कार्रवाई के लिए आगे नहीं आ रहा था। लेकिन ग्रामीण जब पुलिस को जब अपने साथ ले गए और पुलिस को इसकी सूचना भी दी और ग्रामीणों ने जिस तरीके से मुखाबिरी करके और जिस तरह से कोयले व्यवसायियों के खिलाफ छापेमारी चलवाई और छापेमारी में भारी मात्रा में जो कोयले बरामद किए गए, निश्चित यह बात कही जा सकती है कि पुलिस प्रशासन के कार्यशैली पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और आज भी जिस तरीके से कोयले की छापेमारी की गई और जो तस्कर भाग गया, उसमें कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही ही सामने आ रही है। जी दिनेश, लेकिन पुलिस की लापरवाही सामने आई है, इतने दिन से यह अवैध कोयला का व्यापार चल रहा था, पुलिस के कान में अब तक भनक नहीं लगी, गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई, इतनी देरी क्यों हुई इस कार्रवाई में? देखिए, निश्चित तौर पर यह बात कही जा सकती है कि लगातार जिस तरीके से कोयले तस्कर सक्रिय हैं, दिन के उजालों में धंधा अपना व्यवसाय बंद कर देते हैं और जब ही शाम होता है कि उनकी धंधा जो है शुरू हो जाता है। और पुलिस की जहां तक बात है तो पुलिस की इस मामले में मिली भगत है और जब ही घटना की इसकी जो सूचना जो है जब ग्रामीणों ने और सूत्रों के हवाले से जब बोकारो पुलिस कप्तान को मिली तो बोकारो पुलिस कप्तान जो है इस मामले में कार्रवाई किए और वे जो है अपने पेंच नारायणपुर थाना अध्यक्ष को कार्रवाई के लिए वहां भेजा भी, तो कहीं ना कहीं जो है पुलिस प्रशासन की भूमिका भी संदिग्ध के घेरे में है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बुलेटिन में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए नेशन न्यूज के साथ, धन्यवाद।